सितंबर माह मूलांक भविष्यफल 2023 किस मूलांक की होगी मौज ही मौज, किस मूलांक को होगा धन लाभ, किस मूलांक को कितना कुछ मिलेगा, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। दर्शकों, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अब जो कि देखिए, कुछ ही दिनों बाद आपके सितंबर माह की शुरुआत हो रही है, और ऐसे में ये जो महीना है यानी कि सितंबर का, अंक शास्त्र के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, मूलांक के अनुसार आप लोगों का कैसा रहेगा? अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी, जिन लोगों को देखिए अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता होता, जिन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी लग्न राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, जिनके अपनी बर्थ डिटेल्स कंप्लीट नहीं होती है, तो वो देखिए न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र के आधार पर अपने भविष्य के बारे में आराम से जान सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक जुड़े जातकों के बारे में, और आज हम मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सितंबर का ये महीना मूलांक अनुसार क्या कुछ लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मयंक जी, अंक शास्त्र के आधार पर शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से जुड़े जातकों के बारे में, इनके लिए ये महीना कितना खास है? देखिए, मूलांक 1 जिनके स्वामी सूर्य हैं, तो मूलांक 1 वालों के लिए ये महीना बहुत ही यादगार रहेगा। सितंबर का महीने में इनको काम कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, और आपका जो वैवाहिक जीवन है या प्रेम संबंध है वो भी अच्छे रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मूलांक 1 वालों के लिए ये जो महीना है काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, और जो लोग छात्र हैं, जो छात्रों के लिए शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता का संकेत देता हुआ ये नज़र आ रहा है। सेहत ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो परेशान करते रहेंगे। खासकर शुरुआती 15 दिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, उसके बाद का समय जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मूलांक 1 के बारे में हमने जाना, आइए जान लेते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 जिनके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा के प्रभाव के चलते बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, भावुक होते हैं। मूलांक 2 वालों, इस महीने आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जी। और इस महीने में कहीं ना कहीं कफ कोल्ड की समस्या या ज्वर इत्यादि की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, और जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इस महीने स्वास्थ्य के चलते आपका काम कारोबार जो है वो उसमें समस्या रह सकती है, तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया, अपने शरीर की सेहत का ध्यान रखें, और फिर उसके बाद आप सभी कार्य में हाथ डालेंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। काम कारोबार के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है जी, और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी। छात्रों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, जो लोग नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी समय काफ़ी परफेक्ट रहेगा। चलिए, मूलांक 1 और मूलांक 2 के बारे में हमने जाना, अब जान लेते हैं कि मूलांक 3 के लिए इस बार का ये समय क्या कुछ लेकर आ रहा है। मूलांक 3 वालों, आपकी जो मूलांक के स्वामी हैं बृहस्पति हैं, जिसके प्रभाव के कारण आप बहुत ही भाग्यवान होते हैं, और इस महीने भाग्य की देवी जो है आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। सभी कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं, नए कार्य की शुरुआत हो रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, काम कारोबार में आपका मन भी लगेगा और काम कारोबार में सफलता भी मिलेगी। धन लाभ के यहाँ अच्छे खासे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में भी मूलांक 3 वालों, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो लोग इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, ये समय आप लोगों के लिए भी बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए, अब जान लेते हैं मूलांक 4 से जुड़े लोगों के बारे में। मूलांक 4 जिनके स्वामी राहु हैं, और राहु के प्रभाव के चलते इस महीने कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाएगी, तो सितंबर मास में आपका जो स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, जिसके चलते आपका जो है वर्कलोड बढ़ने की वजह से मन जो है चंचल स्वभाव का रहेगा, मन प्रभावित हो सकता है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन रहेगी। ब्रेक आपको एक चाहिए होगा, तो कुछ दिन का ब्रेक लें, जिससे कि आप रिफ्रेश हो गए हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर काम बहुत ज़्यादा है तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेके काम करने से आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी से राहत मिलेगी। अपने सहयोगियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें जी। और वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना मूलांक 4 वालों काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। काम कारोबार के लिए देखें तो इस महीने नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा मूलांक 4 वालों को। व्यापार वृद्धि के योग बन रहे हैं और धन वृद्धि की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं। बात करते हैं मूलांक 5 से जुड़े जातकों के बारे में।
मूलांक पांच वालों, ये जो समय है आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। खान पान में थोड़ा सा संयम रखें, इसके अलावा कोई स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। धन लाभ के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रह रही है, नौकरी और व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना सुखद परिणाम आपको इस महीने मिलता हुआ नजर आ रहा है। मूलांक छह जिनके स्वामी शुक्र है, शुक्र के प्रभाव के चलते इस महीने भोग विलासिता में कुछ जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और रुचि रहेगी जी। तो थोड़ा सा संयमित होकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा तो आपका जो बजट जो है बिगड़ सकता है और थोड़ा परेशानी में भी आ सकते हैं। ये महीना काम कारोबार के लिए काफी अच्छा रहेगा, नौकरी हो या व्यवसाय हो उसमें अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आपका वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध भी इस महीने काफी अच्छा ही रहेगा, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। छात्रों के लिए ये महीना बहुत ही शानदार है, शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कोई जॉब के लिए इंटरव्यू है तो यहाँ भी आप कामयाबी हासिल करेंगे, धन लाभ भी अच्छा होगा और आपका कहना चाहिए मान सम्मान में वृद्धि होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जानेंगे कि मूलांक सात से जुड़े जातकों के लिए सितंबर कितना खास रहेगा। देखिए मूलांक सात वालों, आपके राशि, आपके जो मूलांक के स्वामी हैं वो केतु हैं और केतु के रहस्यमय ग्रह है, तो इस महीने ये केतु आपको अच्छी खासी सफलता दिलाएंगे। नए काम में हाथ डालने से फिलहाल बचना चाहिए, यानी कि जो आप नौकरी या बिजनेस जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, काम कारोबार भी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग तकनीकी क्षेत्र से हैं, राजनीति में हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, सफलता विशेष रूप से अर्जित करेंगे और आपको इस महीने मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, धन भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर महीना अच्छा है। मूलांक आठ वालों, आपके मूलांक के स्वामी जो है शनि देव है और शनि महाराज इस महीने आपको धीमी गति से लेकर चलेंगे, यानी कोई भी कार्य आपके बनते बनते बिगड़ सकते हैं या देरी से बनेंगे, महसूस करेंगे कि महीने के अंतिम समय में आपका काम बन जाएगा, तो कुल मिलाकर काम तो बनता हुआ नजर आ रहा है लेकिन डिले हो सकता है। काम कारोबार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी में भी आप अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अभी कृपया रुक जाएं। बिजनेस के लिए समय काफ़ी अच्छा है, बिजनेस में लाभ होगा, धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। यहाँ पर इस महीने थोड़ा सा स्ट्रेस भारी आपको पड़ सकता है क्योंकि काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा जिसके चलते स्ट्रेस लेंगे, तो मेरा मानना है कि तनाव से बचे, मानसिक तनाव से बचना जो है आपके लिए बहुत ही हितकर साबित होगा। अपने अंतिम मूलांक की बात करेंगे, मूलांक नौ के बारे में। मूलांक नौ वालों, आपके मूलांक के स्वामी जो है मंगल है और मंगल जो है क्रोधी स्वभाव आपको बना देते हैं, अक्सर बहुत जल्दी गुस्सा रहता है, तो इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि अपने वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में और मित्रता में क्रोध की अधिकता से बचें, अन्यथा तो परेशानी बढ़ जाएगी, कोई ना कोई अड़चन परेशानी आपके काम धंधे में इस महीने आती रहेगी लेकिन अंततः वो परेशानी दूर भी हो जाएगी। काम कारोबार के लिए, मान सम्मान के लिए महीना काफ़ी अच्छा है, नए संबंध भी बनेंगे जो आगे जाकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। छात्रों के लिए समय अच्छा है, जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं उनको भी आने वाले समय में और सितंबर एंड में कोई ना कोई बड़ी राह दिख जाएगी, सफलता मिल जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, और जो लोग घर या गाड़ी या बंगला लेने की सोच रहे हैं या जमीन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, तो ओवरऑल मूलांक नौ वालों के लिए ये महीना काफी अच्छा ही कहा जा सकता है। तो ये थे मेरे साथ मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि मूलांक के अनुसार मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो मूलांक 1 से लेकर 9 तक जितने भी जातक हैं इनसे जुड़े उनके लिए सितंबर का महीना क्या कुछ लेकर आने वाला है इन आने वाले कुछ ही दिनों में। मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।